हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर्स। और अभी हम देखने वाले हैं बेसिक्स रिक्वायर्ड फॉर सीएफजी। सीएफजी के इतने बेसिक्स कर लिया आपने, कितने 10, 11, 12 कर दिए, खत्म। आपका सीएफजी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी यूट्यूबर आपकी गारंटी नहीं लेगा कि एक ही वीडियो में आपका सीएफजी पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये वाले 12 आपका सीएफजी खत्म। आप धीरे से ध्यान लगा के समझ जाना बस ये 12। और पहले वो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार, प्लीज। बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे उससे कि वीडियो बनाते रहूं आपके लिए। तो ए रेस्टू एन बी रेस्टू एन, इसकी लैंग्वेज क्या होने वाली है फटाफट अपन देखेंगे। ज्यादा कुछ आपको रिलैक्स करना है, आपको सिटबैक करना है, आपको बस देखना है, प्रॉपरली देखो। इधर मुझे पेज ढूंढने दो पहले। तो पहले तो हम देखेंगे ये वाला पेज मिल गया हमें। ओके, ए रेस टू एन बी रेस टू एन, इसका ग्रामर ये है। ओके, ए रेस टू एन बी रेस टू एन, ग्रामर ये वाला क्या है अपना एक्सप्रेशन है, इसमें से ग्रामर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो लैंग्वेज निकालते हैं। लैंग्वेज में ए, इसकी लैंग्वेज क्या आ रही है देखो, ए बी आ रही है, एप्सिलॉन ऑब्वियसली आ रहा है क्योंकि जीरो जीरो कर दिया तो एप्सिलॉन आएगा। बाद में ए ए बी बी आ गया, बाद में ए ए ए बी 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 आ गया। तो ये लैंग्वेज जो आ रही है उसके लिए क्या रहेगा सीएफजी। ओके, सीएफजी क्या रहेगा, ए एस बी एंड एप्सिलॉन, ए एस बी और एप्सिलॉन, खत्म। आपका क्या रहेगा सीएफजी, ए एस बी और क्या रहेगा एप्सिलॉन। क्यों क्यों रहेगा ये देखो, इधर एप्सिलॉन आ गया आपका पहला, बाद में ए बी, ये वाला इक्वेशन अगर यूज किया हमने। ओके, इक्वेशन की तरह ट्रीट करो इनको, दो इक्वेशन की तरह ट्रीट करो यार, सिंपली समझ लो ये चीज। इनको दो इक्वेशन आपके हो गए, दो इक्वेशन, ये और का साइन ना मतलब इक्वेशन है। तो ये वाला हो गया वन इक्वेशन, ये वाला हो गया टू इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, समझ गए इतनी चीज। ये दो इक्वेशन हो गए, अभी क्या करना है हमें, एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू कर दिया हमने एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन अगर ये देखो, ये क्या करना है हमें, एप्सिलॉन निकालना है पहला, तो हमने एप्सिलॉन डाल दिया। ओके, एप्सिलॉन हो गया पहला वाला तो हो गया। अभी ए बी निकालना है यही ग्रामर की वजह से। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर वन ले लेंगे। इक्वेशन नंबर वन में क्या है, ए एस बी है। बाद में इक्वेशन नंबर टू, एस इजिकल टू क्या है, एप्सिलॉन है। तो एस की जगह पे क्या डालेंगे, ए एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है क्या, नहीं। तो ए बी आ गया अपना सेकंड वाला भी, तो टिक कर दिया हमने। अभी थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कैसे निकाल पाएंगे, ए ए बी बी। तो वन वाला इक्वेशन यूज किया हमने, ए एस बी, बाद में क्या किया हमने, एस की जगह पे और एक बार वन का इक्वेशन, एस की जगह पे क्या डालना है, ए एस बी। तो ए बी ये तो रहा, एस की जगह पे क्या आ गया, ए एस बी। ये समझ आ गया, इतना सिंपल। एस की जगह पे क्या है, ए एस बी है। एस की जगह पे क्या डाल दिया हमने, ए एस बी। अब एस की जगह पे और एक बार क्या डालेंगे, एप्सिलॉन डालेंगे। तो एप्सिलॉन, एस की जगह पे क्या डालेंगे, एप्सिलॉन। तो क्या हो गया, ए ए एप्सिलॉन बी बी। बाद में ए ए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रहती है, कुछ भी नहीं, तो बी बी। ऐसे ही हम सारे के सारे स्ट्रिंग डिराइव कर पाएंगे अगर ये लैंग्वेज ग्रामर लिखेंगे तो। तो ये ग्रामर है, समझ रहे हो, ये ग्रामर। ओके, ऐसे ग्रामर लिखा जाता है। तो वही बेसिक, ये जो बेसिक है मैंने जो बताया वही से हमने ये ग्रामर डिराइव किया है। तो ये वाले 10 ग्रामर आप याद कर लो, आपको हो जाएगा पूरा पूरा सीएफजी याद हो जाएगा, ये गारंटी मेरी। ओके, तो ए रेस टू एन बी रेस टू एन, ए एस बी एप्सिलॉन। तो समझ आ गया आपको, ए एस बी क्यों लिया और एप्सिलॉन क्यों लिया, क्योंकि इसमें की सभी लैंग्वेजेस इसमें एक्सेप्ट होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, अगर ये वाला एप्सिलॉन रहा, एप्सिलॉन क्यों कब रहेगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहा। ओके, तो क्या रहेगा, ए बी, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन की जरूरत नहीं है। ए रेस टू एन बी रेस टू टू एन, मतलब दो ए रहेंगे तो चार बी रहेंगे, दो ए रहेंगे तो चार बी रहेंगे। ओके, तो ए एस बी बी बी। ओके, ए एस बी कर दिया और बी बी रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए बी है और एस की जगह पे बी बी डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी बी बी। मतलब क्या हो रहा है, ए कितने बार आ रहा है आपका, एक बार, और उसी जगह पे बी कितनी बार आ रहा है आपका, तीन बार। मतलब देखो देखो, एन है मतलब एक बार अगर रहा ए तो कितने बार आएगा, दो ऐड करो तीन बार रहेगा, और अगर ए दो बार रहा तो क्या कितनी बार रहेगा, दो और दो चार बार। ओके, ए अगर तीन बार रहा तो क्या आएगा, तीन और दो पांच बार बी आएगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे से स्ट्रिंग क्या आ रही है, ए बी बी बी, मतलब एक बार ए रहा तो उसमें दो एक्स्ट्रा बी आना, मतलब एक बार का ए का बी एक बार है पर उसमें दो बी एक्स्ट्रा आना। अभी इसमें क्या है, बी डबल, ए डबल रहना बी के, मतलब चार ए रहे, चार ए रहे तो दो बी रहना। ओके, तो उसके लिए लैंग्वेज क्या है, ए दो बार ले लिया हमने, बी एक बार ले लिया, ए रेस टू एन बी रेस टू टू एन। ओके, ए रेस टू एन बी रेस टू टू एन, तो उसके लिए ग्रामर कैसा आएगा, ए
दो बार बी आया, बी रेस टू टू एन है, तो देखो ऊपर दो बार ए आया था क्योंकि दो बार ए चाहिए, नीचे दो बार बी आया क्योंकि दो बार बी चाहिए। अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, टू रेस टू एन प्लस थ्री, टू रेस टू एन प्लस थ्री, देखो एन को मान के चल लो एन इजिकल टू वन है, तो बी एक बार आया और इधर कितने बार आना चाहिए, ए आना चाहिए पांच बार, तो पांच बार के लिए क्या है एक दो तीन चार पांच और एक बार बी लिख लो, खत्म। इतना सिंपल है, एक स्ट्रिंग डिराइव करनी है उसके ऊपर से ग्रामर निकल जाएगा आपका। ए रेस टू एम बी रेस टू एन, ए रेस टू एम बी रेस टू एन मतलब अलग अलग है, एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन मतलब ए को ज्यादा बार लिखना है, ए एस बी कर दिया हमने और ए को ज्यादा बार लिखना है तो क्या कर दिया हमने, ए और ए कर दिया। ओके तो देख लो ए एन ए नंबर ऑफ डब्ल्यू नंबर ऑफ ए मतलब सेम रहना, मतलब ए के नंबर और बी के नंबर सेम रहना, मतलब ए तीन बार आया है कहीं पे भी आ सकता है और बी तीन बार आना। ओके तो उसके लिए क्या है ए एस बी बी एस ए एस एस एप्सिलॉन, ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स के वीडियो देखना अगर हार्ड जा रहा है आपको, समझ आ सकता है मुझे स्टार्टिंग में सबको हार्ड जाता है, एग्जांपल्स के वीडियो देख लेना बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आप पांच वीडियो ये वाले देख लो, मैं गारंटी लेता हूं पांच वीडियो इस टॉपिक के रिलेटेड के बनाने वाला हूं मैं, लेवल वाइज है वीडियो, तो ये वाले देख लिए आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, मेरी गारंटी। ओके तो जीरो और वन स्टार, जीरो और वन स्टार, इसमें तो ये वाला ये तो भाई मजाक ही है। ए बी स्टार हुआ ना तो क्या करना है, ए एस लिखना है, बी एस लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है, खत्म। ए एस लिखना है, बी एस लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है, वैसे ही जीरो प्लस वन स्टार हुआ जीरो एस वन एस एप्सिलॉन। ओके एटलीस्ट वन जीरो 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 मतलब जीरो 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 रहना। ओके जीरो 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 है, वन प्लस जीरो स्टार इधर, वन प्लस जीरो स्टार इधर, मतलब जीरो 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 कहीं पे भी रहो, आगे कुछ भी हो सकता पीछे भी कुछ भी हो सकता दोनों साइड को कुछ भी हो सकता, तो क्या कर दिया हमने उसी का ए टी ए एक इक्वेशन बना दी है। जीरो वन स्टार के लिए क्या, जीरो वन स्टार के लिए क्या लिखा था, वन एस जीरो एस एप्सिलॉन, और टी के लिए क्या लिखा है जीरो जीरो जीरो। भाई ये वाली ट्रिक तो है ना वो तहलका मचाने वाली है, ये वाली ट्रिक ना अपनी पर्सनलाइज ट्रिक है, देख लो भाई वो आगे वाले वीडियो देखो, ऐसे ऐसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम तो उसमें से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टू फाइंड लैंग्वेज फाइंड स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम ग्रामर, ओके इसका कुछ नहीं है लॉजिक, इसका एक लॉजिक है वो भी बताने वाला हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करके, तो उसके लिए ट्यून रहना और आगे वाले वीडियो में आपको पूरा का पूरा ग्रामर कवर करने की मैं गारंटी लेता हूँ। एक बड़ा वाला वीडियो भी आपके एग्जाम के दिन के पहले मैं डाल दूंगा, अगर आपके एग्जाम के दिन से पहले मुझे बता दो कि अगर टॉपिक फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आपके क्या करेंगे हम लाइव चैट अनेबल करेंगे, क्या क्या डाउट आ रहे हैं ना आपको वो पूछ पाओगे आप मुझसे। ओके तो यही था, इतना ही सिंपल है, अगर ये दस दस आपको समझ आ चुके हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना क्योंकि ये 10 पे ही पूरा चैप्टर हम फाड़ने वाले हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर तब तक। अरे माँ छूट गई मेरे एग्जाम की, तो हमेशा एग्जाम के टाइम पे ही नाटक दिखाता है ये सब। आई डोंट लव यू, आई वांट अ ब्रेक, ब्रेक चाहिए। कहाँ से सीखी रे तूने इतनी शान पट्टी, हाँ जो तेरे को भाव भी नहीं देती थी कुत्ते के जैसे, उसको भेंचोद अपने लंड के दम पे, यू मेड मी क्रेजी। भेंचोद होता क्या लड़कों के पास, एक लंड उसके दम पे इतने नखरे। तू ही सोई, मैं थोड़ी सोया, वही हमेशा मैं ही तो सोई हूँ। तू तो कुछ करता ही नहीं है, घुसाती भी मैं हूँ, हिलाती भी मैं हूँ, निकलवाती भी मैं हूँ, मैं तो कुछ किया ही नहीं, सीधा बोलता है।